शेख हजरत फातिमा ने सर हजरत अली को अबू जहल की बेटी से शादी करने के लिए रोका था। तो शेख इससे हम लोग दलील पकड़ सकते हैं, रीजन भले अच्छा हो तो के आप लड़की प्रेशर डाल सकती है अपने घर वालों से जब वो सेकंड देखिए, मैरिज कर रहा। यहाँ पर ये सही मुस्लिम की रिवायत है, सही रिवायत है कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हों ने जब शादी का इरादा किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया। लेकिन बहुत सारे लोग इस हदीस का गलत मतलब समझते हैं कि इस मना से मुराद तहरीम है। मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कई मसाइल में कि मना करना ये अलग चीज होती है, हराम करार देना अलग चीज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद थे और उन्होंने कुछ वजह भी बताया मना करने के लिए। उन्होंने हराम नहीं कहा कि दूसरी शादी करना हराम है, मना किया और कुछ वजह भी बताया कि मेरे दुश्मन की लड़की मेरी लड़की के साथ इकट्ठा नहीं हो सकती, मेरी बेटी को तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। तो अगर इस तरह का कोई रीजन है तो कोई बाप कोई ससुर अपने दामाद को मना कर सकता है। वो उसके बाद उस दामाद को इख्तियार होगा भाई, जी मना करने का ये मतलब थोड़ी है कि वो मान ही जाएगा, उसको भी इख्तियार होगा। अली रजी अल्लाह जी ताला अन्हु मान गए, तो मना करना अलग बात है, हराम करार देना अलग बात है। ये तहरीम नहीं है, ये सिर्फ मना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रांग रीजन बताया, और ये रीजन इस वक्त नहीं होता है। जी अच्छा हमजा शेख अमीन भाई, दलील नहीं, हम लोग के घर वाले लड़की घर वालों से प्रेशर डाल सकती है कि सेकंड मैरिज मत करो। और भाई दुनिया की कौन सी औरत है जो मना नहीं करती है? वो मना करती है, लेकिन मना करना उसका हक है, शादी करना शौहर का हक है। वो चाहे तो उसके मना से मुतासिर हो जाए, कबूल कर ले, ना करे चाहे तो कर ले। कैसा शेख, लेकिन वो प्रेशर भी डलवा सकती है ना बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी से, प्रेशर भाई? भाई जैसे काहे का प्रेशर? वो भाई तुमको रहना है रहो, वरना जाओ मैं दूसरी शादी करूंगा, फिर कैसा प्रेशर? कैसा जी। प्रेशर हाँ ठीक है शेख, भाई? समझ इससे बड़ा प्रेशर और कौन होगा? मुझे गया। करना है, आपको रहना है, ठीक है, नहीं रहना है कोई बात नहीं, मा सलामा। जी ठीक है अब जी फिर भाई, जजाक उसके बाद अल्लाह कौन खैर। सा प्रेशर डालेगी वो? मतलब अब ऐसा तो नहीं कि जो है वो गन पॉइंट पे उसको मना कर सकता है कोई। नहीं शेख, मैं जी कह रहा हूँ कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी को बोले कि इसको रोको और शादी करने से, तो उसको नसीहत करो, तो ये हराम तो नहीं हो जाएगा ना। हाँ, देखिए अगर कोई हराम करार दे रहा है या इस तरह से उस शादी के दूसरी शादी के साथ जो है उसका रवैया ऐसा है कि जैसे इस्तेहजा वाली बात है या उसको उसकी तहकीर वाली बात है, अल्लाह ताला का एक हुक्म है वो, तो हमारे समाज में तो यही है ना कि जैसे जो दूसरी शादी करने जा रहा है गोया कि जैसे कोई गुनाह का काम करने जा रहा है। भाई एक होता है अपनी मसलहत के लिए किसी आदमी को किसी काम से रोकना, मैं जानता हूं इकरार करता हूं कि वो जो काम करने जा रहा है जायज है, लेकिन मेरी मसलहत इसमें है कि वो ना करे, तो ये मेरा हक है अपनी मसलहत को ढूंढना। लेकिन उसको हक जो है ये समझना कि ये गुनाह का काम करने जा रहा है उसके तई नफरत का इजहार करना शरीयत के उस हुक्म के तई, ये तो कुफर हो जाएगा। तो ऐसा उस जमाने में भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सौकनों के दरमियान ये चीजें पाई जाती थी। वो गालिबन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फला को देखा, उन्होंने एक उम्महातुल मोमिनीन में से किसी का जिक्र किया तो कहा कि मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे शादी ना कर ले। तो उनको भी खदशा था। आयशा रजी अल्लाह जी तआला अन्हा रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है को तलाश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं सौकन के पास चले गए। तो ये सारी चीजें फितरी हैं, तो फितरत के हद तक अगर वो मुखालफत है तब कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे यहां वहां तक नहीं है। हमारे समाज में तो ये है कि अगर कोई आदमी जिना कर लिया तो चलेगा, उस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने शादी कर लिया दूसरी तो पूरे पूरे हिंदुस्तान में 5 मिनट के अंदर अंदर, इस वक्त तो सोशल मीडिया का जमाना है, 5 मिनट में जी पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल जाएगी कि फला आदमी ने तो दूसरी शादी कर लिया। तो ये बात गलत है, बल्कि ये बात इतनी गलत है, इतनी गलत है कि अगर आपके एतकाद से मुतालिक है, आप उस हुक्म के साथ
कराहियत का इजहार कर रहे हैं तो ये बात कुफर तक पहुंच सकती है। बाकी वो औरत का हक है, वो मना कर रही है, नापसंद कर रही है, फिर और शादी करना उसे और का हक है। जज़ाकअल्लाह खैर शेख, वाज़ह है।